हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ थ्रेडिंग करने के लिए, बट लॉकडाउन के चलते आज मैं अपनी थ्रेडिंग खुद कर रही हूँ। तो आप भी देख सकते हैं मैंने अपनी थ्रेडिंग किस तरह से अपने आप की है, और आप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत थ्रेड चलाना आता है तो। तो माथे पर पहले मैंने पाउडर नहीं लगाया था, तो थ्रेड नहीं से बाल नहीं निकल पा रहे थे और स्किन बीच में आ रही थी, तो मैंने अभी पाउडर लगाया है। पाउडर लगाने के बाद मैं अपनी थ्रेडिंग कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अपनी थ्रेडिंग खुद करने का, और उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं निराश नहीं हूँ, ना ही सैड हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने बहुत ही अच्छा की अपनी थ्रेडिंग, और मुझे अपने ऊपर बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था तब। तो लॉकडाउन ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई दी, थ्रेडिंग करनी अपने आप खुद, कि अगर इमरजेंसी में कभी थ्रेडिंग करनी पड़े तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अपने आप थ्रेडिंग करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी पकड़ी इधर से प्रोफेशनल्स की, कि किस तरह से वो एक अपनी मिनट, मैं थ्रेडिंग लेके करते निकाल हैं। लेती हाथ। हाँ अब पकड़ जोर से, दबा के नीचे को ऐसे, ये ऐसे। हाँ मैं ज़्यादा मत दबा, फिर मेरे को नज़र नहीं आ रहा एक आँख से भी। सारा आईब्रो ही ना उतार ली। बहुत जोर से दबा दिया, ये भी पकड़। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तरफ से तो मैंने थ्रेडिंग अपनी कर ली। मैंने अपने बेटे को बोला था आँख पकड़ने के लिए, बट उसने इतनी ज़ोर से मेरी आँख पकड़ी, इतनी ज़ोर से अंदर तक दबा दी कि मेरी बहुत ही आँखों के आगे तारे से छा गए मेरे। तो अब मैं अपने करने लगी हूँ अपर लिप्स। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ तेज़ अपर लिप्स कर रही हूँ, बट मैंने बहुत ही स्लोली किए थे। और अभी मैंने जब वॉइस ओवर की है, तब मैंने इसको थोड़ा डबल स्पीड पे चला दिया था, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा थ्रेड चलाने की मैंने प्रैक्टिस की थी। कोई मुश्किल काम नहीं है थ्रेड चलाना, सिर्फ अपनी दो उंगलियों का खेल है। लॉकडाउन में इससे बढ़िया जो है वो मेरे ख्याल से थ्रेडिंग हो नहीं सकती। एफर्ट जो मैंने लगाया है भागा हुआ इसको, मेरी आँखों में बड़ी इरिटेशन हो रही है, पाउडर चले गया आँखों में मेरी। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज बहुत बड़ा अपने लिए एक काम किया, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इतना तो समझ आ गया कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करो तो वो काम ज़रूर हो सकता है। ये जो बाल नीचे से हैं इनको मैं जो है थ्रेड से निकालने का रिस्क नहीं लूंगी, इनको मैं प्लकर से निकालूंगी। नेक्स्ट जो था, जो बाल नीचे से आईब्रोज के निकालने थे ना, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं था ना। ऊपर से आँख को नीचे से उसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो जो स्किन थी वो उसमें थ्रेड में आ रही थी। तो मैंने आइडिया लगाया कि प्लकर से ही इसको स्लोली स्लोली साफ़ किया जाए। तो वैसे तो मेरे स्किन पर इतने बाल नहीं हैं, नेचुरली मेरे को वैसे तो वैक्स कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने प्लकर से ही धीरे धीरे जो छोटे छोटे बाल थे उनको बड़े आसानी से निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी नेचुरल रेमेडीज़, डिलीशियस रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।